दन हॉर्गे रीजन स्कूल रहमत कैंपस द लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 3 यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड. सो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो लेट्स स्टार्ट द प्लांट वर्ल्ड. द स्टडी ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड बोटनी. सो वट इज़ बोटनी. बोटनी क्या होती है? इन विच वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट्स एवरी थिंग एवरी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. ऐसी बोटनी किसको कहते हैं? बोटनी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. दिस इज कॉल्ड बोटनी. द स्टडी ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड बोटनी. द स्टडी ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड बोटनी. फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. ठीक है. सो नाउ प्लांट नीड फूड जस्ट एज एनिमल्स नीड फूड. प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है बिल्कुल उसी तरह जैसे एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है तभी वो ग्रो करेंगे. जैसे एनिमल्स हैं वो फूड खाते हैं तभी वो ग्रो करते हैं ना. एनिमल्स आर एबल टू मूव टू फाइंड फूड. जो एनिमल्स होते हैं उनमें वो किस काबिल होते हैं? वो उनको अपने फूड फाइंड करने के लिए मूव करना पड़ता है. वो अपने फूड फाइंड करने के लिए इधर उधर जाते हैं. बट प्लांट्स कैन नॉट मूव. जबकि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते. प्लांट्स मूव नहीं करते जबकि जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं अपना फूड फाइंड करने के लिए. बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव. क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते. दे नीड टू फाइंड अनदर वे टू गेट फूड. और उनको दूसरा जो रास्ता है वो ढूंढने की ज़रूरत है अपना फूड लेने के लिए. डू यू नो वट दे डू? क्या आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं? दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना फूड खुद बनाते हैं. जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जबकि जो एनिमल्स हैं उनको अपना फूड अपने फूड के लिए मूव करना पड़ता है. ठीक है. फूड फाइंड करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है. प्लांट्स में फूड ऑन देयर लीव. अब जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ पे बनाते हैं? अपने लीव्स पे. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स मेक फूड ऑन देयर लीव्स. प्लांट मेक फूड ऑन देयर लीव्स. जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड लीव्स के ऊपर बनाते हैं. यू कैन सी दिस इज प्लांट एंड प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन द पोर्शन ऑफ लीव. दिस इज लीव. यहाँ पर जो प्लांट अपने फूड बनाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर प्लांट्स नीड फोर थिंग. फोटोसिंथेसिस के होने के लिए प्लांट्स को चार चीज़ों की ज़रूरत है. नंबर वन वाटर, नंबर टू कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर थ्री सनलाइट, नंबर फोर क्लोरोफिल. नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. सो नंबर वन, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में? प्लांट्स नीड फोर थिंग्स: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल. नंबर वन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट अपने फूड खुद प्रिपेयर करता है वो उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? वाटर. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो जो प्लांट्स हैं वो उनको इनहेल कर लेता है. ठीक है. दे टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट उसको सन से मिलती है. और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल होता है जो प्लांट्स को ग्रीन रखने में हेल्प करता है. ग्रीन करता है. प्लांट्स विल बी ग्रीन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. व्हाई डू एनिमल्स मूव? एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? एनिमल्स आर एबल टू मूव टू फाइंड फूड.
एनिमल्स इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फूड जो है वो फाइंड करना होता है. बट प्लांट्स कैन नॉट मूव बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. डिफाइन बॉटनी. अब बॉटनी क्या होती थी, किसे कहते हैं बॉटनी? द स्टडी ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड बॉटनी. जो प्लांट की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉटनी. I hope you all are understand the lecture. Learn and write this question answers at home. Thank you.